लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। नगर निकाय चुनाव को लेकर लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम, यूपी का अपना नगर में देखिए प्रत्याशियों की खास बातचीत। बाराबंकी की हर वार्ड में पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम। बाराबंकी के प्रत्याशियों से संवाददाता विवेक साहू ने की खास बातचीत। बाराबंकी के क्षेत्र से कर रहे हैं दावेदारी। अध्यक्ष प्रत्याशी निहाल अहमद सिद्दीकी ने चुनाव की तैयारी की बताई हकीकत। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम यूपी का अपना नगर। इस समय बाराबंकी और हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी मौजूद है। हम जानेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। मेरा नाम निहाल अहमद सिद्दीकी है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ मेरी बात जनता तक पहुँचाने के लिए मेरे तक आए। आपके कुछ मुद्दे होंगे, आपने कुछ सोचा होगा कि इन मुद्दों के साथ हमें चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है बंकी का। जैसे कि नगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास करना होना, अस्पताल, इंटर कॉलेज, बिजली का सब स्टेशन, इसी तरह की छोटी मोटी बड़ी समस्याएं सब जूझ रहा है, बंकी की जनता जूझ रही है, उसी पर हमको चुनाव लड़ना है। क्या तैयारियाँ चल रही? तैयारियाँ चल रही क्योंकि कई समस्याएँ इसमें से निपटा चुके हैं, अपनी निस्तारण हो चुका है कई समस्याओं का। जो हम जनप्रतिनिधि नहीं थे उसके बावजूद हमने समस्याओं से लड़ा और उसमें जीत हासिल की, और जो समस्याएं बची हैं ये इंशाल्लाह चेयरमैन बन के लड़ी जाएंगी। आप समाज सेवी हैं, तो ऐसे में आपने कुछ जनसेवाएं की होंगी, तो हमारी जो खास कार्यक्रम है इसके जरिए आप अपनी जो दर्शक है जो देख रहा है उसको बताइए। देखिए, बंकी में हमने समाज सेवा बहुत की है। जिले में हमने कई काम ऐसे किए हैं जो हम सम्मानित हुए हैं एसपी साहब से, डीएम साहब से, लेकिन जो बंकी की सबसे बड़ी समस्या है कि 13 से 15 घंटे लाइट जो मिलती थी, ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ पे लाइट मिल रही थी और शहरी क्षेत्र का बिल लिया जा रहा था। और जब हमने इस पे आवाज़ उठाई तो अब ये उपनगरीय क्षेत्र की लाइट इसको मिल रही, बंकी में मिल रही है, 21.5 घंटे लिखित में लाइट है, और ये अगर नगरीय होता तो हम इसकी 24 घंटे लाइट लेके आते। और जो 8 साल में पैसा इन्होंने हमसे ले लिया है, ये वापसी की लड़ाई भी हमारी चल रही। आज भी हमारी मुलाकात एक्सियन साहब से हुई थी, हमने उनको वार्निंग दे दी है अगर ये मेरा काम नहीं हुआ तो हम इसके लिए कोर्ट पे PIL दाखिल करेंगे। आप एक किसान नेता भी हैं, तो ऐसे में आप किसानों के लेकर क्या सोच रखते हैं? देखिए, किसान नेता हम हैं, लेकिन किसान यहाँ पे जो बंकी की जनता की समस्या, ये किसानों से अलग समस्या है। यहाँ पे छोटी मोटी जो समस्याएं जैसे रोड है, नाली है, खड़ंजा है, अस्पताल है, इंटर कॉलेज है, ये समस्याएं अलग हैं और किसान की समस्याएं अलग। मैं किसानों की समस्या नहीं पूछ रहा, मैं किसानों को लेकर थोड़ी से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप किसान नेता भी हैं, तो मैं राय लेना चाहता हूँ कि आप किसान को क्या समझते हैं, मतलब किसान है क्या एक्चुअली में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, हमारा देश किसान प्रधान देश कहा जाता था, 80% यहाँ पर किसानी होती थी, और किसान नारा भी है, जय जवान जय किसान। तो जब किसान नहीं होगा तो कोई ना, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान के बगैर यह देश खुशहाल नहीं रह सकता है, किसान सबसे ऊपर है। यहाँ आपके क्षेत्र मैंने भ्रमण किया तो देखने को मिला काफ़ी चीज़ें, परेशानी और जन समस्याएं भी, काफ़ी लोगों ने भी समस्या बताई कि ये दिक्कत है वो दिक्कत, यानी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी वो सड़क की दिक्कत है, यानी सबसे ज़्यादा जो अस्वस्थता की दिखी है, यानी साफ सफाई भी नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा जो चेयरमैन है कार्य नहीं किया, यानी अगर आप फिर जीतते हैं तो आप क्या काम करेंगे? देखिए, आपने मौजूदा चेयरमैन का नाम लिया, हम नाम नहीं लेना चाहते थे। मौजूदा चेयरमैन का बंकी नगर अधिशासी अधिकारी श्री मूर्ति जी के पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो आम जनता के पास नंबर हो सकता है? अब आप यहाँ से समझ जाइए कि कितना पिछड़ गया है बंकी। तो आपका सबसे पहला कदम जीतने के बाद क्या होगा? जीतने के बाद सबसे पहला कदम हमारा होगा कि ये रेलवे क्रॉसिंग पर जो अंडर पास की लड़ाई चल रही है हमारी, इसको पूरी तरह से लड़ना है, इस पर जीत हासिल करनी है, और अस्पताल है, इंटर कॉलेज है, और खेल का मैदान है। अभी डेंगू चल रहा है सबसे ज़्यादा, तो ऐसे में आपने कुछ जनता के लिए प्रबंध किए होंगे या फॉगिंग वगैरह ऐसा कुछ किया आपने? देखिए, जनता के लिए प्रबंध किए हमने, सेमो साहब से चिट्ठी लिखी, सेमो साहब से मुलाकात की, नायब साहब बंकी में जांच पे आए, तो जो समस्याएं यहाँ पर थी वार्डों में, यहाँ पे दवाई छिड़काई गई, नालियाँ साफ कराई गई, तो ये जो समस्याएँ आप बता रहे हैं, ये समस्या जो इसका निस्तारण है वो हम सरकारी ही लेवल से कराना चाहते हैं, अपने निजी या प्राइवेट उससे हम नहीं करा सकते। नहीं, आप
एज अ समाज सेवी भी कर सकते हैं? नहीं, एज अ समाज सेवी कर सकते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करेंगे ना। बंकी छोटा क्षेत्र नहीं, 22,000 की आबादी है। अगर हमने अपनी गली और दो चार गली में छिड़काव करा दिया तो फिर ये हमारे लिए गलत है ना। हमको सोचना सबको लेके, तो जब हम सरकार से शिकायत करेंगे तो सबका निस्तारण होगा। देखा जाए शिक्षा भी काफ़ी महत्व करती है, अगर क्षेत्र शिक्षित नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, तो ऐसे में आप शिक्षा को क्या लेकर क्या सोचते हैं आप? शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका है नौजवानों के लिए, क्योंकि गलत सही जो भी निर्णय निकाल सकता है जो शिक्षक होता है वही निकलवा सकता है। इसलिए बंकी में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंटर कॉलेज बनना बहुत ज़रूरी है बंकी में। प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय का हाल एकदम ख़राब है। अभी कुछ फंड आया था तो उसको लीपापोती करके चमका दिया गया, लेकिन जो वहाँ की पढ़ाई की सुविधा है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अभी आपके क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया तो देखा पार्क की कमी थी और साथ ही साथ लाइट की कमी थी। लाइट जो होता है सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है, उसकी कमी थी। आप उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमने बताया आपसे सौंदर्यीकरण जो होना चाहिए, पार्क जब बनेगा सौंदर्यीकरण, जो तालाब बने हुए हैं उनके साइड में बाउंड्री वॉल करा के जैसे सौंदर्यीकरण होता है बच्चे खेलें, तो इस तरह की सुविधा हो तो अच्छा भी लगे। अब वो तालाब के किनारे कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, उससे बीमारी फैल रही है, इसकी साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जनता ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो ना धनशाली हो, ना बलशाली हो, ना परिवारवादी हो, जो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हो उसको चुन के लाए, और ऐसा जनप्रतिनिधि हो कि जो जनता की समस्या कहीं पड़े, किसी अधिकारी के यहाँ कहीं बात रखनी हो तो वो रख सके, ऐसा जनप्रतिनिधि ना हो जो मुँह में दही लिए बैठा रहे। जी जी, तो हमारे साथ बात करने के लिए निहाल अहमद जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि शिक्षा को लेकर हम काफ़ी आगे जाएंगे, यानी जब हमारा समाज शिक्षित होगा तभी हमारी जनता भी शिक्षित होगी, विकास तभी होगा। और साथ ही साथ ये किसान नेता भी है, एक इनकी अच्छी सोच है कि किसान यानी हमारा जो अन्नदाता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में देखने की बात यह होगी कि जनता कितने वोटों से विजय बनाती है। लाइव टू एक्सप्रेस से मैं विवेक साहू। खबरें हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।